वो जगह जहाँ भी हो जैसी भी हो उसे वहीं जाके मारूंगा। मैं आई प्रॉमिस। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक नए PUBG मोबाइल अपडेट के अंदर। तो गाइस इसके अंदर कुछ नया ही अपडेट दे दिया है, मतलब कुछ जहर वाला अपडेट दिया है। इसके अंदर क्या है चीज गाइस की तीन मोड दिए गए, एक ही क्लासिक मैच के अंदर तीन मोड है। मतलब आप चार लोगों की टीम होती है तो चारों लोग अलग अलग पावर ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा पावर लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीन पावर दी गई है, पहला है वाइल्ड, दूसरा है फ्लैम और वाइंड फ्लैम एंड आइस। तो तीनों पावर का क्या यूज है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वाइंड वाला पावर, जिसके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है, मतलब क्या अपडेट है, पूरा अंधेरा अंधेरा कर दिया है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को पावर चूज करने का ऑप्शन आएगा, वाइंड फ्लैम एंड आर्किटेक्ट। वाइंड का फायदा क्या है गाइस कि आप लोग एक शील्ड बना सकते हो, तो सामने वाले गोली नहीं मार सकेंगे, लेकिन वो उसके पास अगर फ्लैम रन हुआ तो वो लोग गोली मार सकते हैं। ओ भाई ये देखो भाई साहब, मतलब ये तीनों पावर है, ठीक है, एक दूसरे को मतलब मार सकते हो। फिर ये वाइंड बूस्ट, इससे क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और प्लस आपका डैमेज बढ़ जाएगा, मतलब आप किसी को मारोगे तो डैमेज उसको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वाइंड का ये वो यूज़ है। फ्लेम का क्या है कि एक व्हील आएगा, वो अगर बंदे के ऊपर गया तो वो नॉकआउट हो सकता है, तो उसको आग लग जाएगी और उसकी जो गोली है उसके अंदर से आग निकलेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये ले लेते हैं। और तीसरा है आइस। तो आइस वॉल में क्या है कि फ्री फायर में जैसे वो आइस वॉल खड़ी करते हैं ना, मतलब वो वॉल जैसे खड़ी करते हैं वैसे हम लोग वॉल खड़ी कर सकते हैं, और उसकी जो गोली हम लोग छोड़ेंगे ना तो वो पूरी ग्लेशियर टाइप की, ग्लेशियर की जो गोली लगती है तो वाइट वाइट इफेक्ट होती है ना, सेम वही इफेक्ट होगी। तो तीनों का यूज़ मतलब यही है। और इसका कैसे मतलब यूज़ होता है, क्या है सीन, मैं पूरा आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके अंदर, तो जान से देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब वाला भी बटन दबा देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइंड का पावर। तो गाइज मैं कब से वाइंड बोल रहा था, लेकिन इसका मतलब वाइंड नहीं होता, विंड बोलना होता है, लेकिन मेरा इंग्लिश आप लोगों को पता ही है, मेरा इंग्लिश है वो आपका इंग्लिश नहीं है। ठीक है, वाइंड या विंड जो भी आप लोग समझ गए वही सबसे बड़ी बात है। तो अभी मेरी डिक्शनरी में वाइंड लिखा था तो मैंने वाइंड पढ़ा है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आप लोग विंड बोल सकते हो। मैं जानबूझकर रिमोट जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसका पावर दिखा सकूँ, क्योंकि वहाँ पे एक दो बोट आएंगे तो उसके सामने मैं आप लोगों को पावर दिखाऊंगा। तो गाइज अगर आपको बोट दिखता है तो मेरे को बुला लेना, ठीक है, मारना मत कोई भी। और गाइज देखा जाए तो पूरा ग्राफिक्स भी चेंज हो गया और मेरी गेम तो एकदम स्मूथ चलनी चाहिए, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत स्मूथ चल रही है, और प्लस ग्राफिक्स पूरा चेंज हो गया, मतलब डार्क और मतलब अच्छे लग रहे हैं यार, कुछ भी बोलो। तो गाइज सबसे पहले हमें इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हमारे पास ये तो चीज़ आ गई है। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है वो भी बता देता हूँ, ये रन क्राइस्टल ऐसा कुछ है, वो चीज़ आपको कलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो ये रहा, इसको बस आपको कलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। एक कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को पावर यूज़ करके दिखाता हूँ। ये रहा शील्ड, तो गाइस ये शील्ड हो गई। यहाँ पे हमें कोई जो नॉर्मल वाला बंदा होगा ना वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं मार पाएगा, गोलियाँ उसकी यहाँ पर अंदर नहीं आएगी। ठीक है, और करीबन एक मिनट तक चलता है, और उसके बाद ये जो पावर है ना उससे क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर हमारे टीममेट्स भी रहेंगे तो उसको भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये पावर जो है गाइस इससे हमारी दौड़ने की स्पीड, देखो ये स्पीड बढ़ गई, प्लस इसका जो डैमेज होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, डैमेज भी बढ़ जाएगा। और वो रहा बंदा, चलो उसके सामने हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। उसके सामने हम लोग क्या करते हैं गाइस कि विंड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो शील्ड यूज़ करते हैं, बोट रहे ना, हाँ बोट ये 17 सेकंड के बाद हमें वो विंड यूज़ शील्ड यूज़ करेंगे। तो उसका यूज़ क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शील्ड का यूज़। ये देखो स्पीड मेरी गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, रुको 4 सेकंड, और अभी हम वापस से इसका यूज़ करेंगे। रुको बेटा, हाँ अब हम यूज़ करेंगे। तो देखो गाइस ये इसकी गोलियाँ मेरे को नहीं लग रही, लेकिन कोई कोई गोली लगेगी, सब गोली नहीं लगेगी। ठीक है, देखो मोस्टली यहाँ पर इफेक्ट करे, बहुत कम गोली लगेगी। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मार जाएगा, देखो यहाँ पर मार गया, तो मतलब सब गोली नहीं लगेगी। ओके, तो ये एक अच्छी तरीके का अच्छा पावर है। और अभी मैं मेरा पावर ये यहाँ से दिखाता हूँ, स्पीड बढ़ा दी। ओके, तो ये नॉर्मल विंड का यूज़ देख लिया आप लोगों ने कैसे करना था। और इसके बाद अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा फ्लेम का यूज़, फ्लेम पावर का क्या यूज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए, रुको सेट कर रहा हूँ मैं ऐसा। हाँ
तो गाइस ये फ्लेम वाले लोग ये कर सकते हैं, अगर एनिमीज के सामने आपने ये छोड़ा तो वो बंदा मतलब जल सकता है, जल जाएगा ठीक है। और उसके और एक चीज़ क्या है कि गाइस की फ्लेम वाले अगर वो जो जैसे एक गोली वाला जो बटन दबाएगा, यहाँ पे जो बटन होगा वो दबाएगा, तो उससे सामने वाले बंदे को जब मारेंगे तो आग निकलेगी उसमें से। देखो ये जो फ्लेम पावर का यूज है, अगर बंदे को मारोगे तो बंदे को ऑलरेडी आग लग जाएगी, लेकिन आग का डैमेज थोड़ा कम होगा लेकिन उसको भी आग लगेगी। देखो ये फ्लेम पावर का यूज है। और उसके बाद मैं आप लोगों को आइस का पावर दिखाता हूँ। तेरे पास आइस वाला है क्या? गोयल भाई के पास। तो ये देखो गाइस, ये जैसे फ्री फायर में हम लोग देखते आए कि वो आगे खड़ी कर देते, तो ये चीज है, इसको बहुत सारी गोली मारने के बाद ये टूटता है ठीक है। करीबन 30 गोली मैंने मारी तब जाके ये टूटा। तो अगर यहाँ पर आप लोग कवर वगैरह लेना चाहो तो बहुत ही ईजी है। और उसके बाद अगर सेम उसमें भी अगर आप लोग एक गोली वाला फायर करते हो तो उसके अंदर से आइस वाली मतलब जैसे ग्लेशियर की स्किन होती है ना वैसी निकलेगी। मार गोली चला नीचे जमीन पे। ये बोर्ड को मार जल्दी, देखना गाइस। ये देखो इसके बाद ग्लेशियर स्किन है, इसलिए ऐसा नहीं निकला है, लेकिन उसने पावर यूज किया उसकी वजह से वो ग्लेशियर वाला इफेक्ट निकल रहा है ठीक है। तो ये तीनों पावर का यूज आप लोगों ने देख ही लिया, कैसा था वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं खुद एक बार सब पावर का यूज करके दिखा देता हूँ जल्दी से। अरे लोल गाइस ये तो फेल हो गया, रुको ये इसका 2 सेकंड के बाद वापस फेंक सकते हैं ना आप लोग। वो पॉइंट्स हो गए तो आपके पास। अरे ये भी ऊपर से चला गया। ओ गाइस दैट टच हुआ, देखो एनिमी जल गया गाइस। ये देखो जल के ही मर गया, फ्लेम से मर गया। तो ये था इसका पावर गाइस, ये अगर एनिमीज को टच होता है तो वो उसको आग लग जाती है ठीक है। अब देखो और... मैं फोड़ के दिखाता। हाँ फोड़ो। तो गाइस ये इनके पास वो आइस वाली जो है पावर है, इसलिए वो जल्दी से फोड़ सकते हैं। नॉर्मल बंदे नहीं फोड़ सकते, नॉर्मल बंदे इसको नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पास आइस वाली पावर है इसलिए वो लोग फोड़ पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर एक और बोट आ चुका है, तो इसको हम लोग देखना कैसे मारते हैं। ये देखो एक गोली मारी तो उसको आग लग गई। ये देखो मतलब ये देख रहे हो मतलब इसमें से आग निकलेगी और उसको मतलब ये खुद जलने लगेगा, लेकिन इसका डैमेज इतना ज्यादा नहीं है तो टेंशन नहीं लेने वाला का बात, लेकिन फिर भी उनको डिस्टर्ब कर सकता है ये चीज ठीक है। ये देखो तो ये गाइस ये एक चीज थी, तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका भाई क्या था चीज। ये देखो ऐसे करके मारने का। एक और आएगा बोट, एक मिनट। तो गाइस एक और बोट आ चुका है जिसके ऊपर हम लोग ये फेंकने वाले हैं। अगर बोट भाग ना जाए तो अच्छी बात है, अगर उसको ये लगा तो क्या होगा। ओके वो भी जल गया, देखो उसका पछवाड़ा जल गया और तुरंत भागने लगा। यही चीज है गाइस, ये इसका पावर यही यूज है। तो अभी हम लोग देखेंगे आइस का यूज क्या है ठीक है। आइस जो है आइस वाला पावर उसका यूज क्या है वो हम लोग आप देखेंगे सब लोग। चलो जल्दी से वो देखते हैं। ओके गाइस तो एक और हमें बोट मिल चुका है, तो अभी हम लोग इनके सामने ये पावर यूज करेंगे। भाई बोट मार हमें। तो गाइस ये देखो हमने इसका यूज कर लिया, यहाँ पर हम लोग आराम से यहाँ पर हम लोग अपना कवर ले सकते हैं ठीक है ऐसा करके। और इसको एक फ्लेम वाले जल्दी से तोड़ सकते हैं, और बाकी तो इसको 30 एमओ तक जब तक नहीं मारोगे तब तक ये टूटता नहीं, शॉट गन से जल्दी टूटा। और इसका अभी देखना गाइस, ये अभी इसको देखना, ये पावर मैंने यूज कर लिया, अभी ग्लेशियर जैसी गोलियां निकलेगी देखो। और प्लेयर की मूवमेंट जो होती है स्लो हो जाएगी ठीक है। देखो उसके पिछवाड़े से धुआं निकल जाए वाइट वाला, देख रहे हो, तो इससे प्लेयर की जो मूवमेंट होती है ना वो स्लो हो जाती है। तो ये सबसे बढ़िया है, तो मेरा तो अभी के लिए यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि कभी भी अगर हमारा एनिमीज अगर डाउन हो जाता है तो उसके सामने हम लोग ऐसी पूरा ऐसे करके खड़ा कर सकते ठीक है। एक और बोट आया। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने दीवार जैसे खड़ी की, अगर इसको हमें तोड़ना है तो ऐसे करके तोड़ सकते देखो ऐसे ठीक है। एनीवेज अगर आगे पेन आके पास में अगर जाकर पेन मारता है तो भी आपको पड़ सकती है ठीक है। अदरवाइज ये बहुत ही सही चीज़ है। और ये देखो गाइस अभी आपको हर गन के अंदर इसकी ग्लेशियर वाली स्किन निकलेगी देखो, देख रहे हो। और अगर बंदे को एक गोली लगी ऐसे तो उसके पिछवाड़े से धुआं निकलेगा, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ओके। और उसकी स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाएगी, ये बहुत सही चीज़ है। और हम लोग जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं देखो ऐसे करके।
10-10 सेकंड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा पूरा एकदम कवर भी बना सकते हैं, अगर कहीं पे अगर गए हो। यहाँ पर देखना मैं बनाता हूँ कवर। अरे गलत लग गया। तो गाइस ये जो मस्त लगे, मतलब मेरे को ये आइस वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और जैसे लगाना चाहो वैसे लगा सकते, देखो ऐसे जितना इतना दूर तक जा सकता है, ठीक है, इतना दूर तक। और अगर ऐसे करके भी हम लोग दौड़ दौड़ के भाग सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लगा दो और यहाँ पर कवर ले लो। ये बहुत सही था। और एक बोट को मैं मार के दिखा देता हूँ वो चीज़। और एक बोट है, आया आया। तो गाइस ये देखो बोट को यहाँ पर, ये देखो, अरे रुको कवर फायर। ओके गाइस ये देखो इसका जो गोली गोली है वो देखो, इससे उसकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। देखो उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, प्लेयर्स की स्पीड भी कम हो जाती है और अपने को भाई मारने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये थी आइस वाली पावर। तो आप लोगों ने तीनों पावर का नजारा देख लिया। तो आपको कौन सा